देखिए, आज शाम को ये दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाले जी के ऊपर फायरिंग हुई है, कुछ बदमाशों ने फायरिंग की है, उसमें आए हैं, उसमें काफ़ी वेपन्स उसमें यूज़ किए हैं, काफ़ी राउंड फायरिंग की गई है। और इसमें सिद्धू मूसेवाले जी की डेथ हुई है, दो लोग और घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ी जेड़े हमलावर थे, क्योंकि तुरंत पुलिस ने नाकाबंदी काफ़ी हर थां थां पे की है, और गाड़ी छोड़ के भागे हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट, कुछ क्लूज मिले हैं, हम उनके पीछे लगी है। काफ़ी सारी टीम्स प्रेसेंट कर दी गई हैं पूरे बठिंडा रेंज से, बठिंडा जिले से, इसके अलावा फरीदकोट रेंज की भी टीम लगाई गई है। और हमें उम्मीद है जल्दी इसमें हमें गिरफ्तारियाँ कुछ मिलेंगी। इसके साथ साथ एक SIT भी अभी कॉन्स्टिट्यूट की है, SIT जो है ऑफिसर्स की है, इसमें डेली दे विल वर्किंग ऑन दिस केस टू जितने भी इसके कॉन्स्पिरेसी जिसके पीछे है, जो लोग इसके पीछे शामिल हैं, उनको जल्दी गिरफ्तारी की जाए। देखिए, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो संजोग जिसे कह सकते हैं यहाँ पर, और हमेशा नाल उनके गनमैन रहते थे, और जैसा भी पता चल रहा है कि शायद वो आज समझता, शायद वो अकेले ही उनके बिना निकल गए, और हो सकता है इस वजह से कितना चीजें होंगी। बट जेडी भी कॉन्स्पिरेसी है, SIT कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, इसको हम लोग डे टू डे वर्किंग कर रहे हैं। कई सारे लीड्स अभी भी हमें मिले हैं, मैं भी मौके घटने पे था, जहाँ पे हमलावर की सूचना आई वहाँ भी हम लोग ने काफ़ी सारी टीम्स प्रेसिंग की हुई हैं। रात भर हमारा कैसो ऑपरेशन, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलेगा, हमें उम्मीद है हम जल्दी इसको पकड़ेंगे। शक्या कुछ गाड़ियाँ हमें रिकवर हुई हैं, उन पर वर्कआउट कर रहे हैं, फर्दर डिटेल्स भी हमें वहाँ से मिल रही है, जब पूरा इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट होगा तब मैं शेयर। देखिए, अभी कई सारी लीक्स हैं, इन्वेस्टिगेशन चूंकि सेंसिटिव है, आई कैन नॉट शेयर एट दिस मोमेंट, बट जे भी होगा जल्दी हम लोग वर्कआउट करेंगे। वो इम्पोर्टेंट लीड्स में यही मैं आप शेयर कर सकता हूँ, और दूसरा SIT हमारी इनकॉन्स्टिट्यूट हुई है जी। स्मार्ट साउंड।